धार जिले में कोरोना के लिहाज से राहत का सफर अनवरत जारी है। रविवार को भी सुकून देने वाली खबर आई है, जिसमें अलग अलग सेंटरों से 31 और संक्रमित मरीजों को पूर्ण स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। जिले में अब तक डिस्चार्ज किए गए मरीजों का आंकड़ा 250 हो गया है। जिस रफ्तार से कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उससे कुछ चिंताएं जरूर बढ़ी है, पर उसके बाद पिछले 4 दिनों में ही 67 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुछ राहत भी स्वास्थ्य विभाग को मिली है। आज कुल बड़ा ही हर्ष का विषय है, 31 मरीजों को आज हम पूरे समस्त धार जिले के अलग अलग ब्लॉकों से जो मरीज है, 31 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा रहा है। और इसमें सिंघाना, मनावर, कुक्षी, सरदारपुर, धामनोद के केसेस है। इन सभी की नेगेटिव रिपोर्ट आई सर? इसमें मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि भारत सरकार के नए गाइडलाइन के अनुसार 8वें, 9वें और 10वें दिन जब कोई भी लक्षण नहीं दिखाई देता है, मरीज सामान्य रहता है, उसे बुखार वगैरह नहीं रहता है, तो 11वें दिन उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। इस बीच ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स व एक्सरे शासन के निर्देशानुसार कराई जाती है। यदि मरीज को तकलीफ, हमारे चिकित्सक देखते हैं कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट सभी ठीक नहीं है, तो मरीजों को कुछ समय के लिए और भर्ती भी किया जा सकता है। सर, जो नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद इसकी संभावना नहीं के बराबर है, ऐसा नहीं होता है सर। क्वारंटाइन सेंटर में भी अव्यवस्थाओं का अव्यवस्थाएं जो थी हमें आपके माध्यम से जो प्राप्त हुई, उसमें पूरी तरीके से सुधार कर लिया गया है। हर सेंटर्स के प्रभारी हमने चिकित्सकों को नियुक्त कर दिया है। साफ सफाई व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वो वहाँ का जो भी मैनेजमेंट है मरीजों के प्रबंधन के संदर्भ में, उसको व्यवस्थित कर लिया गया है और अब बहुत ही अच्छी देखरेख हो रही है। आपको बता दें कि जिले में अनलॉक के बाद से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है। पिछले 12 दिनों में ही लगभग 150 से ज्यादा संक्रमित मरीज जिले भर में मिल चुके हैं। जिले में अब तक 10 संक्रमित मरीजों की मौत भी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबाण न्यूज, धार।